इतने सारे पैसे मेरे लिए? हाँ, ये सारे पैसे तेरे लिए हैं, पर इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? देखिए, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। कोई ऐसा वैसा काम नहीं करवाने वाली तुझसे, बस थोड़ी देर का ड्रामा करना है, वैसे भी एडवांस है। काम पूरा होने के बाद तुझे और पैसे मिलेंगे, बता करेगी? और मिलेंगे, ठीक है ठीक है, बताइए कौन सा काम है, मैं कर लूंगी। ये पकड़, तुझे ड्रेस पहननी होगी, चल अब मेरे साथ। ठीक है, चलिए। अब लग रही हो ना तुम एकदम हॉट, मैं भी देखती हूँ अब कैसे नहीं फंसता। पर मैडम जी, आपने हमें अभी तक बताया ही नहीं कि हमें करना क्या है। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, अभी थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, तुम्हें ना उससे चिपकना है, फ्लर्ट करना है, जिसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठाए और मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाऊँ और जिससे कि मैं उससे बहुत आसानी से रिश्ता तोड़ पाऊँगी। ठीक है, तो तुम जो भी करना इस एरिया में करना, सामने वाले रूम से वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी। ठीक है? पर मैडम जी, ये तो गलत होगा ना, उनका दिल टूट जाएगा ऐसे तो। तुम्हें अपने काम के पैसे मिल रहे हैं ना, तो जितना कहा है उतना काम करो और अपना मुंह बंद रखो, वो आता ही होगा। हिमांशी, हिमांशी, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे आ गई तो, अरे तुम कौन हो और चिपक क्यों रही हो मुझसे? अरे मैं कोई भी हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, और आप दूर क्यों जा रहे हो? पास आइए ना मेरे। ओ हेलो मैडम, तमीज से, और दूर रहिए आप। ये घर हिमांशी का है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, और हिमांशी कहाँ पर है? अरे छोड़िए ना हिमांशी को, वो जहाँ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप मुझ पे ध्यान दीजिए ना। मैं आपको पसंद नहीं आई क्या? मैं उससे कम हूँ? देखिए मैडम, पसंद की बात नहीं है, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो डबल डेट करे, किसी को धोखा दे। मेरी सगाई हो चुकी है हिमांशी से और कुछ टाइम में हमारी शादी भी होने वाली है, तो प्लीज़ मैडम आप दूर रहिए मुझसे। देख लो, इतनी सुंदर लड़की सामने से ऑफर दे रही है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और रही बात हिमांशी की, तो उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी। देखिए मैडम, हिमांशी को पता लगे ना लगे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, शादी मेरी उससे होगी, मैं उसके लिए लॉयल हूँ, समझिए आप। अब हिमांशी कहाँ है बताइए। अरे यार, ये तो जाल में फंसे मेरा, क्या करूँ? क्या हुआ, एक्टिंग खत्म? और हिमांशी, मुझे पता है तुम अंदर रिकॉर्डिंग कर रही हो, अब आ जाओ बाहर। सचिन, तुम सोच रही होंगी ना कि मुझे कैसे मालूम चला तुम्हारे इस प्लानिंग के बारे में, मैंने सब कुछ देख लिया था और सुन लिया था। ये तो हिमांशी है, यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी भिखारी के साथ? ये इसे कहाँ ले जा रही है? अभी थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, तो मैंने उससे चिपकना है, फ्लर्ट करना है, जिसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठाए और जिससे कि मैं उससे बहुत आसानी से रिश्ता तोड़ पाऊंगी। तो तुम जो भी करना इस एरिया में करना, मैं सामने वाले रूम से वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी मेरे साथ, और तुम्हें, तुमको मैं क्या ही बोलूं, तुमने सब मजबूरी में किया होगा पैसों के लिए, तुम प्लीज जाओ यहां से। देखो सचिन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ ना। क्या समझाओगे, यही कि तुमको ये शादी नहीं करनी थी, ये रिश्ता तोड़ना था और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालना था, ताकि खुद के ऊपर कोई ब्लेम ना है, यही ना? तो आकर मुझे बोल देती एक बार, मैं मान जाता, ये सब ड्रामा क्यों किया? तुमको पता है ये सब सुन के मुझे कितना हर्ट हुआ, तुमसे मैं प्यार करने लगा था यार, तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया यार। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। तो बोलती ना, समझाती मुझे, ये कोई तरीका है कि किसी के ऊपर ब्लेम डालने का, ताकि खुद जो चाहती हो वो हो सके। और ठीक है यार, मैं हार मानता हूँ, तुम जीती, तुम चाहती हो ना कि शादी ना हो, ठीक है, अपने घर वालों को बोल दूंगा कि तुम मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, सारा ब्लेम मैं खुद पर ले लूंगा, इस रिश्ते को ना मैं अभी तोड़ता हूँ।
बस तुमसे एक विनती है, ऐसा मजाक ना फिर से मत करना किसी के भी साथ। सचिन